ध्यान से सुनिएगा, जब आप आज की शिक्षा को सुनेंगे मेरे प्रिय, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी और परमेश्वर से उत्तर पाना आपके लिए इजी हो जाएगा। और आज के बाद से मेरे प्रियो, आपकी जो प्रार्थना है आपके लिए एक अच्छे परिणाम को लेकर के आएगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ये घोषणा करता हूं। जितने लोग आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं वो गवाही के साथ में खड़े होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। तो आपको कुछ स्टेप के द्वारा मैं बताऊंगा, कुछ चरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। पहला चरण, कैसे हमको प्रभावशाली प्रार्थना करना है जिससे कि हम उत्तर प्राप्त करें। तो उसका पहला चरण है, उसका पहला स्टेप है मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर से प्रार्थना में आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहले आप निश्चित हो जाएं। मेरे प्रियो, आज कई लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन वो निश्चित नहीं है कि उनको परमेश्वर से क्या चाहिए या वो परमेश्वर से क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए वो निश्चित नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर से जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको निश्चित होना होगा, आपको निश्चय होना होगा कि हाँ भाई मेरे को ये चीज परमेश्वर से मांगना है और मेरे को परमेश्वर से प्राप्त करना है मेरे प्रियो। और जब आप ये ठान लेते हैं या ये आपको ये निश्चय हो जाता है कि मुझे परमेश्वर से ये चंगाई चाहिए, मुझे परमेश्वर से संपन्नता चाहिए, मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए, मुझे परमेश्वर से संतान चाहिए या मुझे परमेश्वर से उद्धार चाहिए, जब आप परमेश्वर से क्या चाहिए जब आप उसके लिए निश्चित हो जाते हैं और आप ठान लेते हैं मेरे प्रियो, तो प्रार्थना करने से पहले आपने परमेश्वर से आपको जो मांगना है उससे संबंधित आपको बाइबल में आपको वचन खोजना है मेरे प्रियो। आपको जानना है कि आप जो परमेश्वर से मांगना चाहते हैं क्या परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में क्या उसको देने की प्रतिज्ञा दी है, क्या बाइबल में वो वचन है और वो वचन कहता है कि हाँ भाई परमेश्वर आपको यह आशीष देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से अगर कुछ मांग रहे हैं और उससे संबंधित अगर आप बाइबल में उस वचन को खोज लेते हैं, वो प्रतिज्ञा को खोज लेते हैं, तब मेरे प्रियो वहां से आपके विश्वास का आरंभ होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं मेरे प्रियो, तब हमारे अंदर विश्वास का आरंभ होता है मेरे प्रियो। और जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो हमको मालूम है कि हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है और वो परमेश्वर हमको देगा। और इस रीति से हमारे अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता मेरे प्रियो, और हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से पहले हम जान चुके हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, कि वो परमेश्वर अपने वचन में लिखा है, वो प्रतिज्ञा किया है, हाँ तुम मुझसे ये आशीष मांगोगे तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको अब वो वचन, वो प्रतिज्ञा जो आपकी प्रार्थना से संबंधित है और जो आपको मिल गई है, उस वचन पर अब आपको मनन करना है, उस वचन पर आपको ध्यान लगाना है, आपको मनन करना है, आपको खूब मनन करना है, जब तक के वो वचन आपके हृदय में बस ना जाए, जब तक वो वचन आपकी आत्मा में बैठ ना जाए, आपकी आत्मा में वो घुस ना जाए, आपकी आत्मा में वो वचन घुस ना जाए, आपके हृदय में वो वचन जब तक के आ ना जाए मेरे प्रियो, तब तक आपको उस वचन का मनन करना है। अगर आप देखते हैं यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन को अगर आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऐसा लिखा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, हाँ पढ़ो, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, हाँ? और तू प्रभावशाली होगा। हाँ? अब देखिए, आप वचन में स्पष्ट देख सकते हैं मेरे प्रियो क्या लिखा है। वचन में लिखा हुआ है कि तू वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना,
अर्थात दिन और रात आप वचन पर मनन कीजिए मेरे प्रियो, आप वचन पर मनन कीजिए और वचन जैसा कहता है आप वैसा कीजिए, वचन जैसा कहता है ना वैसे ही प्रार्थना कीजिए। अगर वचन भूतकाल कहता है तो आपको भूतकाल की, आपकी प्रार्थना भूतकाल जैसी होनी चाहिए। वचन वर्तमान काल कहता है तो वर्तमान काल जैसी प्रार्थना होनी चाहिए। वचन भविष्य काल कहता है तो भविष्य काल जैसी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए मेरे प्रियो। आपको वचन पे सबसे पहले मनन करना है ताकि वचन आपके हृदय में आ जाए और फिर वचन जैसा कहता है आपको वचन के अनुसार, आपको वचन अपना, आपको वचन के आधार पर ही आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है और उसी वचन के अकॉर्डिंग आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। और जो वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना प्रभावशाली होती है मेरे प्रियो और वो प्रार्थना परमेश्वर पर प्रभाव डालती है और उस प्रार्थना से परमेश्वर हमको उत्तर देता है। कौन सी प्रार्थना? इमोशनली प्रार्थना नहीं मेरे प्रियो। कौन सी प्रार्थना? परमेश्वर के वचन के अनुसार की गई जो प्रार्थना होती है, जो परमेश्वर की इच्छा होती है मेरे प्रियो, और अवश्य मेरे प्रियो वही प्रार्थना प्रभावशाली होती है और वही प्रार्थना को हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाते हैं। आपको कुछ उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं और बताता हूं। एक स्त्री थी, उसका बेटा बहुत बीमार हो गया था, तो उसने अपने कलीसिया के पासवान को और कलीसिया के बहुत सारे विश्वासियों को उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे बेटे को चंगाई दे। और मेरे प्रियो कुछ दिन बीता और उसका बेटा चंगा नहीं हो पाया। तब उस स्त्री के मन में यह सोच आया और यह विचार आया कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे बेटे को चंगाई देने की, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बीमार ही रहे। ऐसा सोच, ऐसा विचार उसके मन में आया मेरे प्रियो, और उसने अपने मुंह से कहा कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर मेरे बेटे को चंगाई दे। अब आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो स्त्री है इसके हृदय के अंदर में सोच और विचार आया। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं या परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं या आप दूसरों को से प्रार्थना करवा रहे हैं, तो याद रखना मेरे प्रियो, उस समय शैतान आपसे लड़ेगा और शैतान ये नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करें, ये शैतान नहीं चाहता। इसलिए शैतान क्या करेगा मालूम है? आपके मन के अंदर में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इच्छा डालेगा, आपके मन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वचन आपके हृदय के अंदर में डालेगा मेरे प्रियो। अब ये स्त्री के हृदय में चंगाई से संबंधित ये कोई वचन नहीं जानती थी, ये चंगाई से संबंधित, बीमारी से संबंधित ये परमेश्वर की इच्छा नहीं जानती थी मेरे प्रियो, और इसीलिए आसानी से शैतान ने इसके मन में अपने सोच डाले, अपने विचार डाले और शैतान ने कहा इससे कि सुन, परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो तेरे बेटे को चंगाई नहीं देगा, परमेश्वर की इच्छा है कि वो तेरा बेटा ऐसा ही बीमार रहे। ये शैतान का सोच था, ये शैतान की योजना थी, ये शैतान की इच्छा थी, जिसको शैतान परमेश्वर की योजना बताकर, परमेश्वर की इच्छा बताकर उस स्त्री के मन में डाल रहा था मेरे प्रियो। भजन संहिता 119 और अगर आप 11 वचन को देखते हैं तो उसमें दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। क्या है पाप? क्या है पाप मेरे प्रियो? क्या है पाप? पाप यह है कि परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर के सोच विचार के विरुद्ध सोचना, विचारना पाप है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलना पाप है मेरे प्रियो। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध मेरे अंदर में कोई सोच विचार ना आए, ताकि तेरे विरुद्ध मेरे अंदर में कोई भी, मैं अपने मुंह से कोई भी, कोई वचन के विरुद्ध कुछ भी नकारात्मक ना बोलने पाऊं, इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। याद रखो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर में है तो आप परमेश्वर की इच्छा जानते हो, और जब शैतान आएगा और आपको भ्रमित करेगा या आपको भड़काएगा या आपको मेरे प्रिय बेवकूफ बनाने का प्रयास करेगा, तब आप सचेत और सावधान हो जाओगे और आप जान जाओगे ये जो सोच, ये जो विचार मेरे अंदर में आ रहा है ना, ये परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बीमारियों को, मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया है।
मैंने तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी दुर्बलताओं को मैंने अपने ऊपर उठा लिया है। और उसके बाद में मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2:24 इस प्रकार से कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। अब मेरे प्रियो, बाइबल में ये जो वचन मैंने आपको बताया, ये वचन परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर में ये वचन है, तो आप जान जाओगे मेरे प्रियो कि अगर शैतान आपके अंदर में ऐसा सोच, ऐसा विचार ला रहा है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुझे चंगाई देने की, परमेश्वर की इच्छा है तुझे बीमार रखने की, आप तुरंत जान जाओगे कि ये शैतान है, ये शैतान की बात है। और क्या होगा मेरे प्रियो, आपके हृदय के अंदर में परमेश्वर का वो वचन उठ खड़ा हो जाएगा और आप जान जाओगे कि नहीं, परमेश्वर ने तो पहले से ही चंगाई का प्रबंध कर रखा है। और आप शैतान का सामना करोगे मेरे प्रियो, और शैतान का आप मुंह तोड़ जवाब दोगे, और शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो, आज कई लोग इसीलिए मेरे प्रियो प्रार्थना में असफल हैं। आपको मालूम है वो स्त्री ने शैतान की बातों को विश्वास कर लिया, हाँ भाई मेरे बेटे को चंगा करने का परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आपको मालूम है इसी कारण से, उसके इसी अविश्वास के कारण से, जबकि लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उसके इस अविश्वास के कारण से उसका बेटा चंगा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसने शैतान की बात सुना, शैतान की बात माना, और उसने परमेश्वर पर अविश्वास किया मेरे प्रियो, उसका बेटा चंगा नहीं हो सका। जबकि कलीसिया के पासवान ने प्रार्थना किया था, कलीसिया के विश्वासियों ने प्रार्थना किया था, अगर उसकी मां विश्वास में स्थिर होती, उसका बेटा चंगा हो गया होता। प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी यही हुआ था मेरे प्रियो। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसका 4:7-11 अगर आप 11 तक के अगर आप देखते हैं मेरे प्रियो, तो जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन और 40 रात जब वो निराहार थे मेरे प्रियो, और उन्होंने उपवास रखा था, और उनके उपवास का जब अंतिम समय था, अंतिम दिन था, और उनको भूख लगी, तब मेरे प्रियो शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने में आता है, और शैतान प्रभु यीशु मसीह को पाप में गिराना चाहता था, उसको विश्वास से भटकाना चाहता था, उसको परमेश्वर की योजना से वो बाहर करना चाहता था शैतान प्रभु यीशु मसीह को। तो वो प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है, जब उसको भूख लगी प्रभु यीशु मसीह को, तो शैतान आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। अब देखो यहां पर शैतान क्या करता है मालूम है मेरे प्रियो, सीधा विश्वासियों की पहचान पर अटैक करता है, सीधा पहचान पर अटैक करता है, उनको उन्हीं की बातों में भ्रमित करता है और घुमाता है। और क्या लिखा है, अगर तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है ना, तो गलत बातों पे उकसा रहा है। देखो, गलत बात करने के लिए उकसा रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना तो इस पत्थर को तू रोटी बना दे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना करते हैं वचन से, लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहेगा, एक एक वचन से जीवित रहेगा मेरे प्रियो। और इस रीति से मेरे प्रियो, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, और आपको मालूम है आखिरी में शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग निकला। अब देखो मेरे प्रियो, शैतान को हराने के लिए, ये शैतान को अपने सामने से भगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया जो आज विश्वासियों के पास में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो जो वचन यूज किए, आज वो वचन बाइबल में लिखे हुए हैं, वो हथियार हमारे पास में है मेरे प्रियो। आज शैतान का सामना करने का और शैतान को भगाने का हमारे जीवन से हथियार हमारे पास में है, हमको वो हथियार मिल चुका है। और वो हथियार क्या है, वो हथियार है आत्मा का तलवार। और आत्मा का तलवार क्या है, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन ले लो और उस वचन को मेरे प्रियो शैतान के ऊपर में चलाओ, तब शैतान आपके 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 जीवन से भाग निकलेगा और उसके सोच विचार आपके हृदय से भाग निकलेंगे। और क्या होगा, आप अपनी प्रार्थना में जय प्राप्त करोगे, आप अपने मसीही जीवन में जय प्राप्त करोगे मेरे प्रियो। अन्यथा मैं आपको बता दूं, हर वक्त शैतान आएगा, हर वक्त आपको विश्वास से भटकाने का प्रयास करेगा, हर वक्त वो ऐसा कुछ करेगा कि आप संदेह संख्या में आ जाओ और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ना मिलने पाए मेरे प्रियो, हर वक्त वो ये काम करेगा। इसलिए याद रखना मेरे प्रियो, आप जो भी प्रार्थना करते हो उससे वचन खोजो और वचन को अपने हृदय में रखो, मनन करो लगातार मनन करो। जब शैतान आएगा आप उसका सामना करने पाओगे और वो आपके सामने से भाग निकलेगा यीशु के नाम से, और आप अपनी प्रार्थना का उत्तर को प्राप्त करने पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब दूसरा बात मेरे प्रियो, अब दूसरा बात,
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी बात यह है मेरे प्रियो कि जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे और जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं तो आपको उसी वक्त विश्वास कर लेना है कि आपने जो परमेश्वर से मांगा है आपको वो मिल गया है, उसी समय आपको वो मिल गया है मेरे प्रियो, आपको ये विश्वास करना है। अब मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? तो उनका यह सिद्धांत है कि परमेश्वर तो जानता है ना हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को, हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, इसलिए हमने अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर पर छोड़ दिया है और परमेश्वर अपने समय पर हमको देता रहेगा, हम तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, ऐसा बाइबल नहीं कहती, ये गलत सिद्धांत है। हाँ ये सही बात है कि मत्ती 6 अध्याय और उसके 32 वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, जरूरत है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि मत मांगो। आज कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं, शैतान उनको भ्रमित कर दिया है। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप परमेश्वर से मांग नहीं रहे, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं परमेश्वर से प्राप्त कर पाओगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 24 वचन को देखिए, बाइबल का वचन क्या कहता है इस विषय में, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वचन के मुताबिक हम देखते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय और 24 वचन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, फिर से। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब यहाँ पर मेरे प्रियो स्पष्ट रीति से बाइबल का वचन कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर वचन है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब मेरे प्रियो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेरे नाम से मांग, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से मांग। मेरे प्रियो देखो, अगर आप 23 वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा, उस दिन 23 पढ़ो, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर ने प्रार्थना का एक सिद्धांत बताया है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, और वो सिद्धांत क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। फिर 24 वचन में यीशु कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। लेकिन 23 वचन के आप अगर पहले वचन को गौर करें तो उसमें लिखा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। ये क्या बोल रहे थे मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से और मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने से पहले जब वो पृथ्वी पर थे, तब मेरे प्रियो चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे, और चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे, प्रभु यीशु मसीह से बातें करते थे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक समय आ जाएगा जब मेरा स्वर्गारोहण हो जाएगा और मैं पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठूंगा, उस दिन तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कोई प्रार्थना नहीं करोगे। अगर आप दूसरे वर्जन में एम्पलीफाइड बाइबल में अगर आप देखते हैं तो यहां पे जैसा लिखा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, अगर आप एम्पलीफाइड बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि उस दिन तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे परंतु मेरे नाम से तुम उस दिन पिता से प्रार्थना करोगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे मेरे प्रियो, तब तक चेले प्रभु यीशु से प्रार्थना करते थे और प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था, जब मेरा स्वर्गारोहण होगा और मैं पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठूंगा, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे, परंतु उस दिन तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना, और जब यीशु मसीह के नाम से तुम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो मेरा पिता परमेश्वर मेरे नाम से तुमको देगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रार्थना कैसे करना है? आपको यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करना है मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करना है। हाँ ये सही है, आपको पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है,
गाय के लिए कि प्रभु प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, पवित्रता में चलने में पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, बाइबल पढ़ने में मेरी सहायता करें। हाँ, पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगिए मेरे प्रियो, सहायता मांगिए आप। लेकिन प्रार्थना, बाइबल कहता है प्रार्थना आपको ना यीशु से करना है ना पवित्र आत्मा से करना है, आपको दोनों से सहायता मांग सकते हैं। आपको प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आपको पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है, याद रखिएगा। कई लोग सिर्फ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं बिना यीशु मसीह का नाम लिए, नहीं वो भी सिद्धांत नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। आप अगर गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे, वचन के बाहर जाकर के प्रार्थना करेंगे, आपको कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो कैसे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको पिता परमेश्वर से मांगना है मेरे प्रियो। तो क्या होगा? पिता परमेश्वर, आप जो मांगोगे पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको देगा, और क्या होगा? आपका आनंद पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा, और जब परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा तो आपका जीवन कैसे आनंदित होगा? दूसरा वचन मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन देखो क्या लिखा, ध्यान से सुनना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, हाँ? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, हाँ? और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब देखिए मेरे प्रियो, आप स्क्रीन पर वचन है, और वचन स्पष्ट रीति से कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता है वही पाता है, मतलब कि अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, हाँ? अगर आप अपने लिए कुछ मांगोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा मेरे प्रियो। आप मांगोगे तो ही आपको दिया जाएगा, आप मांगोगे तो ही आप पाओगे। आपको बता दूं, अगर आप नहीं मांग रहे हो ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मैं बता दूं, अगर आप दूसरों के लिए मांग रहे हो ना तो उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपको परमेश्वर से कोई आशीष चाहिए, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, जो कुछ भी, चाहे वो पैसा हो, जो कुछ भी आपको चाहिए ना मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर से मांगना होगा, आपको परमेश्वर से मांगना होगा। आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि आपको मैं बता दूं बाइबल में परमेश्वर ने पैसे देने का, पैसे की आशीष देने का भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। अगर आप दूसरा कुरंथी 8 अध्याय और अगर 9 वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें धन के विषय में प्रतिज्ञा दी गई है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह धनी होकर के कंगाल हो गए, प्रभु यीशु मसीह धनी होकर हमारे लिए कंगाल हो गए, ताकि उनके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। और आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, और इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए कंगाल हो गया है, और तेरे कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए हैं, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, ये अंगीकार करते हैं प्रभु हम धनी हैं, मेरे प्रियो आश्चर्यकर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने विश्वास से प्रार्थना किया, वचन के अकॉर्डिंग आपने प्रार्थना किया। इसलिए आपको बता दूं, मांगो परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर से। घर मांगो मेरे प्रियो, कार मांगो मेरे प्रियो, पढ़ाई में सफलता मांगो, नौकरी मांगो, बिजनेस मांगो, संतान मांगो, विवाह की आशीष मांगो, चंगाई मांगो, छुटकारा मांगो, उद्धार मांगो, पवित्रता मांगो, मांगो। बाइबल में इसके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, मांगो तो आप पाओगे, नहीं मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मांगो, और आपको मैं बता दूं, एक बार अगर आपने मांग लिया तो आपको फिर उसके बाद का स्टेप क्या करना है? मरकुस 11 अध्याय और 24 वचन, हाँ पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, अब मेरे प्रियो देखो आगे का स्टेप क्या है, आगे हमको क्या करना है। अगर आपने प्रार्थना करके आपने परमेश्वर से जो मांग लिया है ना, आपने अगर आपने आज प्रार्थना किया और आपने परमेश्वर से मांग लिया, आपने चंगाई मांग लिया या छुटकारा मांग लिया या नौकरी मांग लिया या बिजनेस मांग लिया या कार मांगा या घर मांगा, आपने जो कुछ भी मांगा है मेरे प्रियो, उसी दिन उसी समय उसी प्रार्थना में आपको ये प्रतीति कर लेना है, ओ परमेश्वर पिता मैंने आपसे घर मांगा, धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ मुझे घर मिल गया है, मैं विश्वास करता हूँ मुझे नौकरी मिल गई है, मैं विश्वास करता हूँ मुझे चंगाई मिल गई है, मैं विश्वास करता हूँ मुझे आशीष मिल गई है, मैं विश्वास करता हूँ मुझे संतान मिल गया है, मैं विश्वास करता हूं मुझे विवाह की आशीष मिल गई है, मैं विश्वास करता हूं मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है, मैं विश्वास करता हूं मुझे सेवकाई मिल गई है, मैं विश्वास करता हूं मुझे संपन्नता मिल गई है। आप जब प्रार्थना करके मांगो उसी वक्त आपको यह विश्वास कर लेना है मेरे प्रियो कि आपको मिल गया है, याद रखें। अगर आपने मांगा और उसके बाद में अगर आप यह विश्वास नहीं करते कि आपको मिल गया है, तो आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको कभी नहीं मिलने वाला, आपकी वो प्रार्थना असफल हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हो और कुछ मांगते हो
और उसी वक्त विश्वास करते हो कि आपको जो आपने मांगा वो आपको मिल गया है, तो 101% आपको बता दूं, आपके इस विश्वास के कारण कि आपने, आपको मिलने से पहले आपने ये विश्वास किया कि आपने जो मांगा आपको वो मिल गया है, आपने विश्वास कर लिया है, इसी कारण आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, वो प्रार्थना का उत्तर आएगा और आपने जो विश्वास किया आपको मिल गया है मेरे प्रियो, आप उसको वास्तविक रूप में अपने पास में देखने लगेंगे। लेकिन इसके पहले कि वास्तविक रूप में वो आपको मिले, आपको पहले ही आपको विश्वास करना है कि वो आपको मिल गया है, चंगाई मिल गई है, छुटकारा मिल गया, आशीष मिल गई, नौकरी मिल गई, बिजनेस मिल गई, मिल गया, आपको पहले विश्वास करना है। और जब आप विश्वास करेंगे तो क्या होगा, बाद में आप रिजल्ट पाएंगे कि अब आप नौकरी देख रहे हैं, अब आप बिजनेस देख रहे हैं, अब आप संतान देख रहे हैं, अब आप उस आशीष को वास्तविक रूप में देख रहे हैं। लेकिन पहले आपको मेरे प्रियो विश्वास करना है कि आपको वो मिल गया है, याद रखें, तब आप परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करेंगे। आज बहुत सारे लोग यही असफल है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करना चाहते कि उन्हें मिल गया है। लेकिन आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बस यहीं तक है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, हम केवल मांगने तक सीमित है। हाँ, और अगर आप विश्वास करते हो आपको मिल गया है तो आपको उसके बाद क्या करना है, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, अब देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जबरदस्त प्रार्थना का सिद्धांत बताया गया है, जबरदस्त। सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले एक आज्ञा दिया गया है, और वो आज्ञा क्या है, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, हाँ, उसके बाद में बोला गया मेरे प्रियो कि जब तू प्रार्थना में कुछ मांगे, हाँ, तो प्रतीति करना कि तुझे मिल गया। हाँ, और अगर तू विश्वास करता है कि तुझे मिल गया तो धन्यवाद देना, उसी वक्त धन्यवाद देना, ओ परमेश्वर धन्यवाद, ओ परमेश्वर मैंने अभी अभी आपसे चंगाई मांगी और मुझे चंगाई मिल गई, धन्यवाद यीशु। मैंने आपसे नौकरी मांगा, मुझे नौकरी मिल गई, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैंने आपसे संतान मांगा और अभी अभी मैं गर्भवती हो गई हूँ, मुझे संतान मिल गया, धन्यवाद प्रभु। मैंने आपसे विवाह की आशीष मांगी और आपने अभी अभी मुझे विवाह की आशीष मिल गई, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देना है मेरे प्रियो, इसके पहले कि आपको वो मिले, मिलने से पहले आपको यह विश्वास करना है आपको मिल गया, और आपको धन्यवाद देना है, आपको धन्यवाद देना है। याद करें वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे 5,000 पुरुष चल रहे थे, सांझ हो चुकी थी और वो 5,000 पुरुष स्त्री मिलाकर के लगभग 10,000 के करीब थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा इन्हें भोजन कराओ। पत्रस ने कहा हमारे पास इतना भोजन नहीं है, कहां से हम इनको भोजन कराएं, ये 5,000 पुरुष हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास में क्या है, पत्रस ने कहा हमारे पास में 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु उससे क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाओ और मुझे दो, और मेरे प्रिय उन्होंने वो मछली, वो रोटी को लिया और वो मछली को लिया और उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और केवल धन्यवाद दिया, धन्यवाद परमेश्वर इस रोटी के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस मछली के लिए, मेरे प्रियो केवल धन्यवाद दिया। और धन्यवाद के बाद में क्या किया उन्होंने, क्या किया, रोटी तोड़ तोड़ करके चेलों को देते गए, रोटी तोड़ तोड़ करके चेलों को देते गए। 5 रोटी और 2 मछली से मेरे प्रियो 5,000 पुरुष, अगर स्त्री बच्चे को मिलाएं 10,000 लोग, 5 रोटी 2 मछली से 10,000 लोग खाए, तृप्त हुए, और उसके बावजूद भी मेरे प्रियो 12 टोकरी रोटी से भरी हुई उठाई गई। कैसे हुआ यह मिरेकल, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दिए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि पिता की इच्छा है कि ये 1,000 लोगों को मैं भोजन कराऊं, वो जानते थे पिता की इच्छा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिंता नहीं किया कि अरे बाप रे ये 5,000 लोगों को हम कहां से भोजन कराएंगे, कैसे भोजन कराएंगे, हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी है, सिर्फ 2 मछली है, कैसे इनको भोजन कराएंगे, टेंशन नहीं लिए, चिंता नहीं किए उन्होंने,
मेरे प्रियो, ना कुड़कुड़ाए, ना चिड़चिड़ाए, ना संदेह किए, ना शंका किए, परंतु उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तू आश्चर्यकर्म करने, तू आश्चर्यकर्म करने जा रहा है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और विश्वास के साथ में रोटी तोड़ने लगे मेरे प्रियो, और वो 5 रोटी को जब वो तोड़ते गए, रोटी बढ़ती गई, रोटी बढ़ती गई, रोटी बढ़ती गई, 5,000 पुरुष खाकर तृप्त हो गए, और उसके बाद भी मेरे प्रियो 12 टोकरियां रोटी से भरी हुई उठाई गई। कैसे हुआ ये आश्चर्यकर्म? धन्यवाद से। धन्यवाद हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है मेरे प्रियो। इसलिए जब आप मांगते हैं, प्रतीति कर लो आपको मिल गया है, और धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, आपने जो भी मांगा धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु मेरे को मिल गया, धन्यवाद प्रभु मेरे को मिल गया, धन्यवाद प्रभु मेरे को मिल गया। आपको मालूम है जब आप धन्यवाद दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हो, आप आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर से अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खींच रहे हो आश्चर्य कर्मों को, आप खींच रहे हो अपनी आशीष को, आपने जो मांगा है उसको आप परमेश्वर से खींच रहे हो, बाय फेथ खींच रहे हो, क्योंकि ये विश्वास का प्रकटीकरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज बहुत से लोग अपनी प्रार्थना में असफल है। प्रार्थना का एक नियम है, एक सिद्धांत है जो बाइबल में दिया गया है, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्या है, आप जो परमेश्वर से मांगना चाहते हो निश्चय, उसके लिए निश्चित रहो, उसके बाद उसे संबंधित वचन खोजो, फिर वो वचन का मनन करो, वो वचन को अपने हृदय में रखो, ताकि शैतान जब आए संदेह संकट डालने तो उस वचन से उसका सामना कर सको, और उस वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर से मांगो, मांगो, और जब मांगते हो तो विश्वास करो तुमको उसी वक्त मिल गया है। हाँ? और उसके बाद में क्या करो? धन्यवाद, 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 धन्यवाद दो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, तो क्या होगा? आश्चर्यकर्म देखोगे आप, और जो आप मांग रहे हो ना वास्तविक रूप में वो आपके सामने आ जाएगा मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से वो आपके सामने में आ जाएगा, चाहे वो पैसा हो, कपड़ा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, संतान हो, आप जो मांग रहे हो और उसके लिए जो आपने विश्वास किया मिल गया और आप धन्यवाद दे रहे, आप उसको प्रत्यक्ष रूप में देखोगे, वास्तविक रूप में आप देखोगे, ये विश्वास है।